वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस की है। अगर वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए कि वहाँ पर हमने पूरा क्वांटिटी कैसे निकाला जा सकता है, वो उसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियोज़ बनाए हैं गाइज। और RCC डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, प्लम्बिंग वर्क, ऑटोकैड की पूरी सॉफ्टवेयर की सीरीज़ हमने बनाई है। आप चाहे तो उसे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एज ए साइट इंजीनियर आपको ये सारी चीज़ें आनी ही चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके डेली शेड्यूल वर्क में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारे कॉलम और फुटिंग शेड्यूल के बारे में। तो गाइस, वीडियो को एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी कोटेशन शेयर करूँगा या फिर ऐसी थंब रूल्स बताऊँगा सिविल इंजीनियर के बारे में, जिसके आपको एज ए वर्किंग में आपको बहुत कुछ इस्तेमाल होगा उससे। ओके, बहुत कुछ मिलेगा आपको वहाँ से। तो गाइस, आप वीडियो को एंडिंग तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एंडिंग में बताने वाला हूँ, जो कि हमारे फैब्रिकेशन और इरिगेशन का एक कोटेशन है, उसके जो वैल्यू रेटिंग और जो कोट होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके जो भी एंडिंग चेंजेस होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर और हमारे जो भी एजेंसीज है उसके एग्रीमेंट कैसे फाइनल होते हैं उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे एंडिंग में। तो एंडिंग तक देखना, वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। आप देख सकते हो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले फुटिंग शेड्यूल के बारे में, जो भी हमारी फुटिंग और कॉलम और जो भी RCC पर डे हमारे उसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। आप देख सकते हो इसमें हमारे जो भी कॉलम नंबर है वहाँ पर, उसके बाद कॉलम फुटिंग के डायमेंशन है 0.9 मीटर बाय 0.9 मीटर बाय 0.45 डेप्थ है हमारी। ओके, उसके बाद 10 mm 500 mm सेंटर टू सेंटर, 10 mm 500 mm सेंटर टू सेंटर। ओके, तो ये हमारा बार बी डिस्ट्रीब्यूशन, बार बेंडिंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर हम बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल सीट, जिसमें हम क्वांटिटी और हमारे स्टील की जो भी एक्चुअल क्वांटिटी वो निकालने वाली है उसमें। ओके, इसके पहले इसमें मैंने वीडियोस जो कि कॉलम शेड्यूल और फुटिंग शेड्यूल के बीच में जो भी हमारे पहले वीडियोस आपने नहीं देखे तो उसके उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कॉलम का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। हर एक कॉलम को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद फुटिंग के जो भी डायमेंशन है उसके बार्स के बारे में, अलॉन्ग द शॉर्ट स्पैन, अलॉन्ग लॉन्ग स्पैन, बार विड डिटेलिंग वहाँ पर आपने डिस्कस की है डिटेल में। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। एज अ साइट इंजीनियर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है साइट पे। ये आपको चीज़ें कोई नहीं बताया गाइस, क्योंकि जिसने साइट वर्क किया है, एक्चुअल वर्क किया है, वही बता सकते हैं मगर। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो ये होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। ये जस्ट हमारी सैम्पल कॉपी है गाइस, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपने जितने कॉलम है वहाँ पर आपको लिखने, उसके बाद उसका डायमेंशन, उसके बाद उसका जो भी बार बेंडिंग के जो भी क्राइटेरिया डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन में दिया हुआ। तो उसके बाद हम कॉलम शेड्यूल देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स फॉर अ कॉलम। एफ 12 mm 5 bar है हमारा, मिनिमम 12 mm के बार यूज़ करने हैं हमारे कॉलम में। फुटिंग बेस टू टॉप ऑफ द ब्रिक वर्क। ओके, साइजेस टिल हमारे 4 bar 12 mm के, 200 by 230 mm का बार है, 8 mm 5 by 200 mm सेंटर टू सेंटर की लिंक प्रोवाइड करनी है हमको, C1 to C26। ये सेम कॉलम है हमारे, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे C1 to C26 वाले सेम कॉलम है, वो आपको डिज़ाइन करने हैं M20 में, AP 500 में। तो ये सेम कॉलम है, इसलिए इन्होंने ये शेड्यूल दिया है गाइस। हमारे अगर दूसरे कॉलम होते बड़े बड़े या फिर अलग डिज़ाइन अलग डायमेंशन के, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके उसका शेड्यूल भी हम आगे देखेंगे उसके बाद। तो हमारा ये जो
C1 टू C26 कॉलम है गाइस, टोटल 26 कॉलम है। उसकी डिज़ाइन हमको करनी है 9 इंचेस बाय 12 इंचेस के बीच। ओके, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस के कॉलम यूज़ करने हैं, मिनिमम 12 बार यूज़ करना है, 4 नंबर्स ऑफ बार, 80 mm 500 mm सेंटर सेंटर की हमको लिंक्स यूज़ करने हैं स्टीरअप्स के लिए। ओके, तो ये थी हमारी कॉलम और फुटिंग की शेड्यूल गाइस। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ दिक्कत हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें गाइस। कोई डाउट हो तो हम सॉल्व करेंगे। चाहे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। उसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे कॉलम फर्दी के बारे में। शेड्यूल फर्दी ऑल थिकनेस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार। इसके डायमेंशन है गाइस 2.6 मीटर बाय 75 मीटर बाय 0.3 मीटर। ये हमारी कंपाउंड वाले गाइस टोटल, इसलिए इसका लेंथ है जो 75 मीटर है, हाइट है 2.6 मीटर है और विड्थ है 0.3 मीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर डायमीटर इन मीटर। तो आपको जो पड्डी वाले गाइस उसकी थिकनेस तो पता है, उसकी थिकनेस लेनी 1 फीट के आसपास। उसमें आपको वर्टिकल बार और हॉरिजॉन्टल बार दोनों देने हैं, उसकी स्पेसिंग यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बार। ओके, इसकी थिकनेस है गाइस 300 mm, यहाँ पे दिखाई दिया है उन्होंने। तो एज अ साइट इंजीनियर ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर इसके बार बेंडिंग के बारे में देखा जाए, तो बार दिए उन्होंने हॉरिजॉन्टल बार 80 mm 500 mm सेंटर टू सेंटर, उसके बाद 10 mm 500 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि वर्टिकल बार आपको हमको देने 10 mm 5 बार, हॉरिजॉन्टल बार आपको एज ए टाई बार देने है गाइस। जब आप वो स्लैब डिज़ाइन करेंगे, स्लैब हमारा ऐसा रहता है गाइस, मगर आपको वर्टिकल बार डिज़ाइन करनी है। ओके, तो वॉल के लिए आपको जो भी वर्टिकल बार है वो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेने हैं एज़ पर हॉरिजॉन्टल, और वो लेने आपको 10 mm 5 बाय 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ फेसेस में। ये बोथ फेसेस के लिए ध्यान रखना गाइस। और हॉरिजॉन्टल बार लेने आपको एज ए टाई बार 200 mm सेंटर टू सेंटर बोथ फेसेस। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। उसके बाद प्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट, यहाँ पर नोट लिखा है गाइस कुछ, द प्लम्प ऑफ कॉन्क्रीट फाइलिंग हैज बीन अप टू 5 फीट। ओके, जो प्लम्प होता है कॉन्क्रीट फिलिंग का, वो अप टू 5 फीट लेना है गाइस आपको। यहाँ पर कंपाउंड वॉल का लोकेशन दिया है उन्होंने फ्रॉम स्कूल साइड, जो भी कंपाउंड वॉल का लोकेशन हो आपको स्पेसिफिकली देना है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए साइड पे। ओके, तो ये थी हमारे कॉलम शेड्यूल, फुटिंग शेड्यूल और फर्दी के बारे में। अगर आपने हम इसका डिज़ाइन पूरा देखना हो तो आप हमारे पहले वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर हमने सेक्शन एलिवेशन इसका सेक्शनल जो भी व्यू है उसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर कॉलम की जो भी लैपिंग लोन थी, हॉरिजॉन्टल बोथ फेसेस, इसके बाद लिफ्ट का डिज़ाइन हमने पूरा डिस्कस किया है, कॉलम के शेड्यूल, फुटिंग के शेड्यूल, वन बाय वन हमने सब चीज़ें डिस्कस किए गए। आप चाहे तो हमारे वीडियोस देख सकते हो पहले। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा था वीडियो का एंडिंग तक देखना, क्योंकि एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसे थंब रूल्स या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस, आज के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस कोटेशन के बारे में, हमारा फैब्रिकेशन और एरेक्शन का जो भी प्राइस लिस्ट है, कोटेशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, जो भी पीबी की बिल्डिंग वर्स है गाइस, यहाँ पर हमारा स्टील जो भी एज पर लोकल एरिया है, आपके यहाँ पर रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं गाइस, यही रेट नहीं रहेंगे। ओके, कुछ डिफरेंस आएगा, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टील अपना जो भी केजीज में मिला जाता है गाइस, 8 रुपीज़ पर केजी, यानी कि आपका जो भी फैब्रिकेशन है या फिर आपको स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, इंडस्ट्रियल साइड है, गोडाउन है, तो वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर लगने वाला है गाइस। तो उसके लिए जो भी राफ्टर है या फिर कॉलम्स के लिए जो भी स्टील है, उसका रेट दिया है उन्होंने 80 रुपीज़ पर केजी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन होना उनकी तरफ से होगा। सेकेंडरी स्टील फॉर पर्लिन एंड गेट, इसके जो भी 75 kg रेट दिया है। हार्डवेयर के लिए 115 per kg, रूफ फॉर वॉल सेटिंग के लिए 90 रुपीज़ पर के जी,
और ऊपर वाला सीटिंग आपको समझ में आ गया होगा, रूप जो भी हमारे अपर साइड के जो भी इंडस्ट्रियल साइड के लिए रूप हो गए उसके लिए। उसके बाद एक्सेसरीज, वाटर फ्रेम्स, रोड ब्रेसिंग्स, सैक रॉड्स, ब्रेस एंगल 70 रुपीज़ पर केजी। उसके बाद गटर डाउन स्पोर्ट 90 रुपीज़ पर केजी। उसके बाद टर्बो फैन, जो भी हमारे एग्जॉस्ट फैन होते हैं टर्बो फैन, उसका वो 5,500 एक नंबर का एक क्वांटिटी आ जाएगी 5,500 में। स्काईलाइट फैनर आ जाएगा 1200 में। तो फ्रेंड्स ये रेट लिस्ट आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ये हमारी जो भी रेट्स है वो चेंज हो गया आपके लोकल एरियाज में। ओके, तो ये हमारे रेट्स है गाइज महाराष्ट्र में। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट है 8% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसके 8% का प्रॉफिट आपको जो भी एजेंसी से हमारे फैब्रिकेशन और एसएम क्वांटिटी ओरिएशन की उसको देना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर उसके बाद जनरल टर्म्स एंड कंडीशन वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका जो 8% है गाइस अमाउंट इज बेसिक, टैक्सेस विल बी एक्स्ट्रा एज एप्लीकेबल। अगर इसके कुछ GST वगैरह लगता है तो आपको अलग से वो टैक्सेस देना पड़ेगा गाइस। तो इन्होंने नोट लिखी है वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में गाइस ये चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए और इन द बैक ऑफ माइंड होनी चाहिए। एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड, एडवांस पेमेंट तो देना ही चाहिए। एज फॉर वर्क कम्प्लीटेड लेबर पेमेंट रिक्वायर्ड। ओके, कंसिडर टूडे मटेरियल रेट। ओके, टुडे के लिए मटेरियल रेट है, अगले मंथ में इसका रेट चेंजेस हो सकता है या फिर कम ज़्यादा हो सकता है अगले मंथ या अगले 2-3 महीने बाद। ये टुडे के लिए मटेरियल के रेट है गाइस। ऑल रेट विल बी कंसिडरिंग मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इरेक्शन एंड पेंटिंग वर्क। ऑल रेट है जो इरेक्शन, ट्रांसपोर्ट, लेबर और पेंटिंग वर्क इसमें इंक्लूडेड है गाइस। ओके, अगर स्टिल देखा जाए गाइस टुडे तो 60-58 का रेट है गाइज। ओके, तो ये इसके वहाँ से इसके लिए उन्होंने 80 रुपीज़ पर केजी का रेट से इन्होंने कोटेड किया है गाइज। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको एज ए साइट इंजीनियर आनी ही चाहिए गाइज, जो कि इन्होंने जो भी एक कोटेशन देखा आपने ये इंक्लूडेड सब मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट, इरेक्शन और पेंटिंग वर्क। जो भी हमारा इंडस्ट्रियल साइट या फिर गोडाउन हम एग्जीक्यूशन करेंगे उसका, तो आपको यही इसका। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। और आने वाली वीडियोस भी इतनी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, तब तक के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपके जॉब के रिगार्डिंग हो या फिर आपके स्टडी के रिगार्डिंग। तो एज अ साइट इंजीनियर ये सारी चीज़ें आपके लिए आनी चाहिए गाइज, यही वर्क होता है साइट इंजीनियर का। आपको सीमेंट की कंजम्पशन, उसके जो भी फुटिंग शेड्यूल है, कॉलम शेड्यूल है, उसके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है, आपको इंडिपेंडेंट निकालना आना चाहिए गाइज। उसके जो भी RCC डिज़ाइन है, DPR, चेकलिस्ट, इसके ऊपर भी मैं आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा गाइज डिटेल में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने, थैंक यू। तो गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आपको डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है आपको पता नहीं है, तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके
आप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो गैस, जो कि बहुत ही अच्छा है यूज़ करने में, और उसका ब्रोकरेज भी 0% है 20, जो कि हमारे हर एक ब्रोकर के जो रूल्स है उसके हिसाब से ये ब्रोकर है हमारा अपस्टॉक। तो आप जो आपको ऑफर भी मिलेगी गाइस, जो कि डिस्काउंट ब्रोकर है उसकी तरफ से, और मेरा जो VIP चैनल है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे, उसको आप में आपको फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगी गाइस। तो लेट मत करो गाइस, क्योंकि ये जो आप स्टॉक का जो डीमैट अकाउंट है ये बस आपको 10 मिनट में मिल जाएगा गाइस। तो गाइस जितना हो सके उतना जल्दी आप मेरे लिंक्स के ऊपर जाके अपना अकाउंट ओपन करो गाइस। तो गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो ये जीरोधा का नंबर 1 ब्रोकर इन इंडिया, इसका डीमैट अकाउंट है। अगर चाहे तो आप ये अकाउंट डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना गाइस, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो गाइस इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे है गाइस, जो कि इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है जीरोधा, उसके साथ आपको ज्वाइन करना है, और बहुत ही अच्छा स्टॉक ब्रोकर है गाइस, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक तो मेरे वास्ते। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए मैंने, उसके साथ आप ओपन करना जीरोधा का अपना डीमैट अकाउंट। हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है गाइस, जो कि पार्किंग प्लस 15-स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। अगर इसका आपको RCC डिज़ाइन चाहिए फ्रॉम प्लिंथ लेवल टू टेरेस लेवल, अगर आपको इसका आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल प्लान देखना है एज अ स्टडी पर्पज कैसे होता है, इसका कॉलम डिटेलिंग और बीम का शेड्यूल आपको जानना है, तो आने वाले वीडियोस में उसके ऊपर बनाऊंगा गाइस। तब तक के लिए इस वीडियो को 100 लाइक्स तो मिलने चाहिए गाइस। इसका जो वर्किंग ड्राइंग है, सबमिशन ड्राइंग है एज अ स्टडी पर्पज आपको चाहिए, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पर इसके इस वीडियो को 100 लाइक्स आने चाहिए गाइस, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू।